कि राजस्थान का ये जो डायरेक्ट सेवा करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले 5 साल राजस्थान के मेरे डिपार्टमेंट का एक एक पाई जनता की सेवा में लगेगा। बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली बात है बड़ी प्राथमिकता जो राजस्थान की बात है। राजस्थान के अंदर हम अपना जो संकल्प पत्र है उसको 100% पूरा करेंगे और लगातार जो सरकार है वो जनता की सेवा में उपस्थित रहेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, हम आभार व्यक्त करेंगे अपने राज्य के संगठन को और राष्ट्रीय नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे जैसे पहली बार चुने गए विधायक पर जो विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और माननीय मुख्यमंत्री की सोच को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर वन बनाने का काम करें। देखिए, ये पार्टी का मेरे ऊपर भरोसा था, मेरी पार्टी के लिए 35 साल से सेवाएं हैं। मैं संगठन का भारी हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भारी हूँ और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। हमारे वहाँ फिरोजपुर फीडर डैम जो है वो बहुत बड़ी हमारी समस्या है, हमने फिरोजपुर फीडर का निर्माण कराएंगे। नशा बहुत है हमारे वहाँ, नशा मुक्त बनाएंगे और विकास युक्त हमारा कानपुर बनाएंगे। मोदी साहब के हम सब जो है वो हम मोदी साहब के सिपाही हैं, हम मोदी साहब जो भी कहते हैं हम करते हैं। उन्होंने हमें इस लायक समझा है, मोदी जी के आभारी हैं, संगठन के भारी हैं, मुख्यमंत्री जी के भारी हैं। गली गली गांव गांव बहुत प्रवास किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से भजनलाल जी सब कुछ जानते हैं, क्या जनता का दुख दर्द है, क्या समस्याएं हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको भली भांति जानते हुए ही अपना सारा निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल में नए चेहरे जाते हैं, उसमें महिला चेहरा अगर देख रहे हैं शामिल किया गया नहीं, वो देखिए पार्टी का ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मुख्यमंत्री सबका मिला जुला निर्णय होता है। इसमें हर समय हर तरह के निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, ये निर्णय कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई मंत्री निर्णय नहीं करता, ये सरकार अपना निर्णय करती है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जो भी दायित्व मिलता है, हम लोग पहले संगठन में काम कर रहे थे, अभी पार्टी ने उचित समझा, विधायक का चुनाव लड़वा दिया तो वो भी काम किया, अब मंत्री नहीं। कोई उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उम्मीद नहीं करता है। जो भी विभाग हमें मिलेगा, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, संगठन का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फंड सुनिश्चित, उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है और जो भी हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है उन्हें पूरा करने का। विभाग को लेकर क्या प्रायोरिटीज रहेगी? विभाग किस तरह का, कोई पसंदीदा विभाग मिले? जो भी संगठन और शीर्ष नेतृत्व, आप शिक्षक वर्ग से रहे हैं तो क्या शिक्षा विभाग मिलने की बातचीत हुई है या कोई तैयारी? हमारा संगठन हमारे पर तय करेगा।